हेलो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। तो आज मेरे को मीशो से दो पार्सल रिसीव हुए हैं, जिसमें मैंने स्कर्ट ऑर्डर करी हुई थी, जिसमें एक में रैप स्कर्ट है और एक में नॉर्मल स्कर्ट है। तो ये मैंने मीशो से जो पार्सल रिसीव हुआ है, इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद इसमें मेरे को कुछ ऐसा पार्सल रिसीव हुआ है, जिसमें एक टेबल नॉर्मल पॉलीथीन में इन्होंने स्कर्ट को रखा हुआ है। चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि स्कर्ट कैसी आई है। तो इसमें स्कर्ट आई है कुछ इस तरह की। चलिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद ये पूरी ओपन स्कर्ट होती है। केवल इसमें साइड में दो डोरी लगी होती हैं, जिसको रैप किया जाता है जिसकी हेल्प से। तो चलिए मैं इसको रैप करके दिखाती हूँ आपको। थ्री स्टाइल में आज इसको रैप करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद इसको कुछ अपनी डेस्क पे इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद इसकी दोनों डोरियों की हेल्प से इसको बांध लेंगे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से लगाया है इसको। इसको एक पीछे से डोरी निकालते हुए दोनों डोरियों को अच्छे से बांध दिया है। तो ये मेरी पहली स्टाइल है, जो कि एक नॉर्मल स्कर्ट की होती है। स्कर्ट इसी तरह से पहनी जाती है, क्योंकि अब आज का फैशन का दौर है, तो कुछ नई तरह से भी लोग स्कर्ट्स को बियर करते हैं। तो मैं अब आपको थोड़ी देर में आपको सेकंड स्टाइल पहन कर दिखाऊंगी। जब तक आप ये देखिए, बताइए आपको कैसा लगा। ये अच्छा लग रहा है मेरे को। उसके बाद ये सेकेंड स्टाइल है। इसमें मैंने सबसे पहले अपने शोल्डर पर स्कर्ट को वन साइड को लिया है एंड पीछे से इसको हम लोग अच्छे से बांध लेंगे। तो ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे को दोनों स्टाइल अच्छी लगी। अब मैं आपको कुछ ही देर में तीसरी स्टाइल की दिखाऊंगी कि तीसरी स्टाइल से इसको कैसे पहना जाता है। चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आपको बताइए इन दोनों स्टाइल में सबसे अच्छा कौन सा लगा। और ये है मेरा तीसरा स्टाइल। इसको हमने इस तरह का इसके दोनों डोरियों को पीछे ले लिया है और यहाँ पर अब हम इसको बांध लेंगे। दोनों को बांधने के बाद ये भी एक अच्छी सी ड्रेस टाइप की लग रही है पहनकर। तो आप इसको भी देख सकते हैं। मेरे को दो तीनों स्टाइल अच्छी लगी। आप बताइए आपको इन तीनों में से कौन सी स्टाइल सबसे अच्छी लगी। थैंक यू फॉर